नमस्कार बच्चों हम पी ए टू का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर ट्वेल्व नागालैंड तो नागालैंड के बारे में आपने जाना कि नागालैंड कहाँ पर स्थित है नागालैंड में क्या क्या खासियतें हैं नागालैंड कौन घूमने के लिए गया था और ये नागालैंड एक तरह का यात्रा वृतांत है जिसे रिपोतार्ज भी कहा जाता है तो ये नागालैंड रंग बिरंगे ऑर्किड फूलों से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं हरी भरी घाटियाँ हैं वहाँ पर भांति भांति के जंगली जीव जंतु हैं और पंख कोड़ियों और धाती दांत पीतल के चमकीले आभूषणों से सजी सबरी महिलाएं और रंग बिरंगी पोशाकें जनजातियों के उत्सव और इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सैलानियों को जो टूरिस्ट लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं तो यहाँ पर लेखिका जी एक यात्रा पर निकली हैं वो यात्रा है नागालैंड की यात्रा नागालैंड की यात्रा के लिए उन्होंने दिल्ली की हवाई अड्डे से उड़ान भरी और वह हवाई अड्डे से उन्होंने उस यात्रा के दौरान उनका पहला पड़ाव था दमदम का हवाई अड्डा जो हाँ वो लगभग साढ़े आठ बजे पहुँचे थे इस तरह से कुछ यात्री जिनको वहाँ पर उतरना था वो तो वहीं पर उतर गए लेकिन जिन लोगों को नागालैंड जाना था वो लोग विमान में बैठे रहे और लगभग दस साढ़े दस के करीब जब नागालैंड के रनवे जो कि दीम, दीमापुर हवाई हवाई अड्डा है वहाँ पर विमान उतरा तो सारे सकुशल नागालैंड पहुंच गए और लेखिका को तो ये सोच सोचकर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि वे सकुशल नागालैंड की धरती पर पहुंच गई उन्होंने पहले से ही बुक करवाए हुए होटल में थोड़ी देर विश्राम किया थोड़ा जलपान किया थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता किया और उसके बाद अपने गाइड के साथ मोटर गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए निकल गए वो राजधानी कोहिमा में घूमने के लिए जा रहे थे गाइड ने नागालैंड के विषय में उन्हें बहुत सी जानकारियां दी उनमें से कुछ जानकारियां थी भारत के पूर्वोत्तर की सीमा पर नागालैंड जो है वो समुद्र तट से लगभग 1444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है इस राज्य के उत्तर पश्चिम में असम है उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है दक्षिण में मणिपुर और पूर्वी भाग में म्यांमार देश की सीमा है और इसी इस राज्य का ज्यादातर हिस्सा जो है वो पहाड़ी हिस्सा है जहाँ पर ज्यादातर पहाड़िया ही हैं असम की ओर जमीन समतल और ढलवा है नागालैंड और म्यांमार के बीच ऊंची पर्वत श्रृंखला नागालैंड के पूर्वी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो उसका नाम है सरामती और उसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से तीन हजार आठ आठ सौ इकतालीस मीटर है और दूसरी ऊंची चोटी जो है वो जाफू पर जाफू पर्वत है पहली है सरामती जो कि 3841 मीटर की ऊंचाई पर है और दूसरी है जाफू पर्वत जो 3014 मीटर की ऊंचाई पर है पहाड़ों के बीच से कौन कौन सी नदियां बहती हैं वो देखिए है। धनसिरी दोयांग दीखू तीजू मेलक आदि नदियां जो बड़ी ही आकर्षक लगती हैं और इस तरह से हरे भरे जंगलों अनगिनत फूलों से लदी हुई पहाड़ियां हैं और यहाँ भांति भांति के पक्षी भी पाए जाते हैं इसलिए इस प्रदेश को फूलों की घाटी या और पक्षी तीर्थ होने के कारण फेलकॉन कैपिटल ऑफ द बर्ड कहा जाता है तो आगे आइए आगे पढ़ते हैं गाइड ने नागालैंड के विषय में बताते हुए कहा कि एक दिसंबर उन्नीस को यह भारत का सोलवा राज्य घोषित किया गया तो गाइड ने उन लोगों को जानकारी दी कि नागालैंड जो है वो एक दिसंबर उन्नीस को भारत का सोलवा राज्य बना और यहाँ कुल 11 जिले हैं जिनके नाम है देखो नागालैंड के जिलों के क्या क्या नाम है इसको भी अंडरलाइन करना है पहले आपने ऊपर नदियों को अंडरलाइन किया था अब इन जिलों को भी अंडरलाइन कीजिए ठीक है तो जिनके नाम है कैफाइड जिला कोहिमा जिला जुहने वोटो जिला धीमापुर जिला ट्वेनसांग जिला पेरेन जिला फेक जिला मोकोचुंग जिला मोन जिला लौ, लेक जिला और बोखा जिला ये लगभग ग्यारह जिले जो है वो नागालैंड के हैं तो आपको कोई पूछे कि नागालैंड कब राज्य बना तो वो बना था एक दिसंबर उन्नीस को और भारत का कौन सा राज्य बना ये भारत का सोलवा राज्य बना और इसके कितने जिले हैं ग्यारह इन सबके नाम तो आपको श, सभी के नाम शायद ही याद हों लेकिन आपको पहले सभी के नाम याद करने हैं तो उसमें से पांच छह नाम तो बड़े बड़े आराम से आपको याद रह जाएंगे ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कपा ये नदियां प्लस ये जिले ये आपको क्वेश्चन आंसर्स में भी आएगा नागालैंड के इतिहास के विषय में गाइड ने इस रोचक तथ्य का उद्घाटन किया कि पुरातन संस्कृत लेख बताते हैं कि किरात जाति के सोने के समान वाले लोग इस प्रदेश के मूल आदिवासी थे अब गाय ने बताया कि नागालैंड का इतिहास नागालैंड की हिस्ट्री इस विषय में बताती है कि पुरातन जो संस्कृत लेख हैं कि उसमें किरात जाति के सोने के समान वन वाले किरात जाति के लोग थे जो कि जिनका रंग जो था सोने के समान सोने के रंग के समान था और इस प्रदेश के ये मूल आदिवासी थे मेन आदिवासी थे ना कुछ लोगों का मत है कि नागावासी उत्तरी मंगोल या सुदूर दक्षिण पश्चिम से आकर बस गए थे और उनमें से कुछ लोगों का तो यह भी मानना है मत का मतलब मानना है कि नागावासी उत्तरी मंगोल या सुदूर दक्षिण पश्चिम से आकर बस गए थे परंतु इनका कोई ठोस प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है इन सब बातों के ऊपर कोई निश्चित तौर पर प्रमाणित नहीं है कि ये बातें सच हैं या झूठ हैं। नागालैंड में 16 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं नागालैंड में कितनी प्रमुख जनजातियां हैं लगभग 16। इन सभी 16 है ना तो ये भारत का कौन सा राज्य बना सिक्सटीन और ये इसमें कितनी प्रमुख जनजातियां हैं सिक्सटीन सेम है ना दोनों नागसात। है। है। नागसाता नागसाता थी थी। इन सभी जनजातियों की अपनी अपनी भाषाएं जितनी भी जनजाती हैं ये जो सोलह की सोलह जनजातियाँ जो हैं इनकी अपनी अपनी भाषाएं भी हैं रीति रिवाज अलग खान पान अलग तौर तरीके आदि अलग इन सबके मतलब सबके जितनी भी जनजातियाँ सोलह की सोलह जनजातियाँ जो हैं उनका रीति रिवाज अलग है उनके खान पान में भिन्नता है उनके तौर तरीके अलग हैं अंग्रेजों अंग्रेजी को वर्ष सतसठ में राज्य की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया अंग्रेजी को यहाँ पर राज्य की भाषा स्वीकार कर लिया गया यहाँ के राज्य की भाषा है अंग्रेजी और ये बनी थी में, 1967 में नाइनटीन सिक्सटी में अंग्रेजी ही नागालैंड में शिक्षा का प्रमुख माध्यम है यहाँ पर अंग्रेजी मीडियम में ही एजुकेशन दी जाती है अंग्रेजी के अतिरिक्त यहाँ नागामिज भाषा का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी के अतिरिक्त यहाँ कौन सी भाषा है नागामिज ये भी अंडरलाइन कर लीजिए नागामिश भाषा भारत के किसी भी अन्य राज्य की अपेक्षा नागालैंड में भाषा की विविधता सबसे अधिक देखी जाती है यहाँ 36 भाषाएं प्रचलित हैं भारत का कोई अन्य राज्य देख लो भारत की कोई अन्य स्टेट देख लो उसमें इतनी ज्यादा भाषाओं में विविधता नहीं होगी बल्कि हमारे नागालैंड में सबसे अधिक विविधता है क्योंकि यहाँ पर 36 भाषाएं जो है वो प्रचलित हैं हर जनजाति की अपनी अपनी भाषा और टोटल 36 भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं यहाँ के लोगों एक मिनट यहाँ के लोगों का जीवन खेती एवं हस्तशिल्प उद्योग पर आधारित है यहाँ के लोग जो हैं वो खेती या फिर हस्तशिल्प जो हाथों से किए जाने वाला शिल्प है जैसे कढ़ाई सिलाई बुनाई इन सब के ऊपर ही उनका जीवन आधारित है यहाँ चावल मक्का आलू और गन्ने की खेती की जाती है कौन कौन सी खेती की जाती है यहाँ पर चावल मक्का आलू और गन्ना पहाड़ी ढालों पर कॉफी इलायची और चाय की खेती भी की जहां पे पहाड़ी ढलाने जो ढलाना नुमा जो पहाड़ियां हैं वहां पर कॉफी इलायची और चाय की भी खेती की जाती है चावल यहाँ का मुख्य आहार है यहाँ के लोग जो है मुख्य तौर पर चावल खाते हैं कुटीर उद्योगों में उनके कुटीर उद्योग जो है उनमें है कपड़ा बुनना लकड़ी पर नकाशी करना लकड़ी पर आर्ट जो कर किया जाता है उसको नकाशी किया जाता है कहा जाता है बर्तन बनाना उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं आदि प्रमुख उद्योग है सॉरी कुटीर उद्योगों में कपड़ा बुनना लकड़ी पर नकाशी करना बर्तन बनाना आदि प्रमुख उद्योग हैं और कलात्मक आभूषण बनाने का काम भी व्यापक रूप से प्रचलित है यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं बहुत ही डिजाइनर डिजाइन के यहाँ पर आभूषण बनाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित हैं यहाँ पर्यटन उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनाएं यहाँ पर पर्यटन उद्योग जो है उसका विकास बहुत अच्छे से हो सकता है उसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं मतलब बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं इसके लिए सामाजिक शांति और सुरक्षा अनिवार्य है और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है सामाजिक शांति और सामाजिक सुरक्षा तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग की स्थापना से नागालैंड की अर्थव्यवस्था में विशेष सुधार की आशा जगी है तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग जहां पर दो उद्योग तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग उसकी स्थापना करने से नागालैंड की अर्थव्यवस्था जो है नागालैंड की जो इकोनॉमी एक। है उसमें विशेष सुधार की आवश्यकता जाग उठी है नागालैंड की राजधानी कोहिमा है जो सड़कों द्वारा सभी जिलों में जुड़ी हुई है नागालैंड की राजधानी का नाम है कोहिमा यह आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी अंडरलाइन कर लीजिए नागालैंड की राजधानी है कोहिमा जो सड़कों द्वारा सभी जिलों से जुड़ी हुई है कोहिमा और फेक जिले में अंगामी जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं कोहिमा और फेक जिला यहाँ पे दो जिले जो हैं कोहिमा और फेक जिला इसमें अंगामी जनजाति के लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में रहते हैं ये नृत्य संगीत और उत्सव प्रिय होते हैं सेंकरेई इनका प्रमुख उत्सव है इनका उत्सव कौन सा है प्रमुख सेंकरेई है ना कौन सी जनजाति के अंगामी जाति जनजाति के लोगों का मोकोक चुंग जिले में आओ जनजाति के लोग मौसु उत्सव मनाते हैं मोकोक चुंग जिला जो है उसमें आओ जनजाति के लोग मौसु उत्सव मनाते हैं कुकी जनजाति के लोगों का प्रमुख उत्सव है मिमकुट कछारी जनजाति के लोग विश्व जुआ मना उत्सव मनाते हैं फोम जनजाति के लोग मोनियो मोहा बोंगवम आदि उत्सव मनाते हैं रेंगमा जनजाति के लोग नगदा उत्सव मनाते हैं नाम थोड़े अटपटे से लग रहे हैं ना थोड़े से अजीब लग रहे हैं लेकिन ये अलग भाषा है अलग कल्चर है अलग, अलग संस्कृति है तो जिस कारण ये सारे नाम भी तो अलग अलग लगेंगे हमें ऐसा नाम कम ही सुने हैं हम लोगों ने इसलिए हमें थोड़े अटपटे लग रहे हैं लेकिन ये इनके प्रमुख त्यौहार हैं और प्रमुख उत्सव हैं लोथा जनजाति तो खुईई मोंग उत्सव मनाती है लोथा जनजाति जो है वो तो मोंग उत्सव मनाती है सुमी जनजाति के उत्सव आहना और तुलुनी है कौनिक जनजाति का उत्सव है ओलियांग मोनियोम रिव्यांग रिव्याम न्यूंगन जनजाति का है मियू और सोकुम उत्सव मनाती है रियांग जनजाति कौन कौन सा उत्सव मनाती है मियो और सोकुम चाके सांग जनजाति सुकेरुन्यो उत्सव मनाती है चांग जनजाति के लोग उत्सव मनाते हैं इस प्रकार नागालैंड की जनजातियां वर्ष भर पूरे रीति रिवाज के साथ उत्सव मनाती हैं अधिकतर उत्सव जो है वो नव वर्ष के स्वागत के लिए इन यहां की नागालैंड की जनजातियां पूरे वर्ष भर वर, अलग अलग रीति रिवाजों के साथ अपने अपने उत्सव मनाती हैं और अधिकतर उत्सव जो है वो या तो नव वर्ष के स्वागत के लिए होते हैं या कृषि के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए या फिर मृत्यु आत्माओं की शांति के लिए शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए मनाए जाते हैं यहाँ के अधिकांश लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं यहाँ हिंदू और मुसलमान भी बसते हैं यहाँ पर हिंदू और मुसलमान जाति भी है हॉनविल पर्व नागालैंड का प्रमुख पर्व है नागालैंड के प्रमुख पर्व का नाम है हॉर्नविल ये अंडरलाइन कर लो जो कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर नागा हेरिटेज विलेज किसामा में मनाया जाता है हॉनविल पर्व जो है नागालैंड का प्रमुख पर्व है और वो कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर नागा हेरिटेज विलेज किसामा में मनाया जाता है एक सप्ताह तक चलने वाले इस पर्व में सभी जनजातियां भाग लेती हैं। सब प्रमुख पर्व है इसलिए सभी जनजातियां इसमें भाग लेती हैं। तो हॉर्नबिल पर्व जो है नागालैंड का प्रमुख पर्व है जो कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर उनके नागा हेरिटेज विलेज किसामा में मनाया जाता है और ये पूरे एक सप्ताह तक चलता है जिसमें सारी जनजातिया जितनी भी जनजातियां वहां पर है नागालैंड की जितनी भी जनजातियां हैं वो सारी की सारी इसमें भाग लेती हैं लोक नृत्य और लोकगीत नागा संस्कृति की विशेष पहचान है लोक नृत्य और लोकगीत जो है नागा संस्कृति की विशिष्ट पहचान है मतलब विशेष पहचान है जनश्रुतियों कथाओं, लोक गीतों के माध्यम से नागालैंड की रूमानी और ऐतिहासिक घटनाओं को आज भी जीवित रखा गया है जन श्रुतिया मतलब जो लोगों द्वारा सुनी हुई कहानियां हैं कथाएं हैं लोकगीत हैं, उनके माध्यम से नागालैंड अभी भी अपनी रुमानी और ऐतिहासिक घटनाओं को आज भी जीवित रखता है 26 जनवरी की परेड में नागा लोक गीतों पर आधारित नागा जनजातियों के नृत्य शामिल किए जाते हैं 26 जनवरी की जो परेड होती है उसमें नागा लोक गीतों पर आधारित नागा जनजातियां अपने नृत्य पेश करती हैं। नागालैंड की जनजातियों ने आज भी अपनी कला और संस्कृति को जीवित रखा है नागालैंड के जितनी भी जनजातियां हैं उन्होंने आज भी अपनी कला अपनी संस्कृति को जीवित रखा है वो अपनी कला और संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहते सात दिनों तक तो नागालैंड के सभी ग्यारह जिलों का भ्रमण करके नागालैंड की पूर्ण आतिथ्य से पूरी तरह रसाशक्त होकर सात दिनों तक उन्होंने नागालैंड के सभी ग्यारह जिलों का भ्रमण कर लिया और नागालैंड की आत्मीयतापूर्ण मतलब अपने पन का अपने, उन्होंने अपने अपने पन की तरह अपनों की तरह उनका आतिथ्य किया उनका सत्कार किया और पूरी रसा होकर रसा मतलब पूरी तरह से वो उससे मतलब रस विभोर हो चुके वो पूरी तरह से उन्होंने रस लिया वहाँ की संस्कृति के मजे लिए वहाँ के खान पान के मजे लिए वहाँ की प्रकृति का आनंद लिया और इस तरह की अनगिनत यादें समेटकर हम संगीत नृत्य और फूलों की इस नगरी से दिल्ली लौट आए और ये पूरे मतलब यहाँ पर पूरा भ्रमण करके यहाँ की संस्कृति का यहाँ के उत्सवों का यहाँ के खान का मजा लेकर वहाँ के वेशभूषा वहाँ के मतलब कल्चर से वाकिफ होकर वहां के आतिथ्य से पूरी तरह से भाव विभोर होकर सशक्त होकर वे संगीत नृत्य और फूलों की इस नगरी से वापिस दिल्ली लौट आए मेरा तो बड़ा मन है मैं कि नागालैंड जैसे इस राज्य में जाऊं देखते हैं कब तक यह मेरी विश पूरी होती है लेकिन आप लोगों को कभी भी घूमने का प्लान बने तो एक बार नागालैंड की यात्रा ज़रूर करना जो जो बातें यहाँ पर दी गई हैं जितना यहाँ पर बताया गया है नागालैंड उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा भारत कितनी ज़्यादा सुंदरता लिए हुए है हम लोग आप लोग जो भी हैं ज़्यादातर बाहर फॉरेन कंट्रीज़ को ही प्रेफरेंस देते हैं घूमने के लिए मैं ये इसे मैं बुरा नहीं मानती लेकिन सबसे पहले मेरा मानना यह है कि फॉरेन कंट्रीज में इतनी ज्यादा मतलब इतने ज्यादा सुंदरता नहीं है इतना ज्यादा आनंद नहीं है इतनी ज्यादा बढ़िया हिल स्टेशन या टूरिस्ट प्लेस नहीं हैं जितने हमारे इंडिया में हैं अगर एक बार अपने इंडिया का पूरा भ्रमण कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत क्यों महान है और भारत को क्यों एक सुंदर प्रदेश कहा जाता है ये एक भारत क्यों एक सुंदर राज्य है एक सुंदर प्रदेश है एक सुंदर देश है ये आपको पता चल जाएगा आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा बहुत से शब्द यहाँ पर थोड़े हमारे लिए अलग हैं ये सिर्फ नाम ही हैं इनका पर्टिकुलर अर्थ तो हमें नहीं पता है। हमें इसी रूप में इनको याद रखना पड़ेगा तो आज आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में